सर्वप्रथम आपको अपने हाथ में कुश पहनना है, पुष्प लेनी है और तिल लेकर संकल्प करना है। तो आइए पहले थोड़ा अपना हाथ धो लें। लाइए अपना हाथ दे, अपना गोत्र बोले। जी कश्यप। अस्मत पिता यानी पिताश्री का नाम, अस्मत माता यानी माताश्री का नाम बोलिए। श्री शैलेंद्र वर्मा और श्रीमती योगिता देवी। अब हाथ जोड़कर संकल्प करें। वसरूपिता वसरूपिता, तिप्यतामिदं तिप्यताविदं, तिलोकदाम तिलोकदाम, जलजलम जलजलम, वातस्मै वातस्मै, स्वाहाय स्वाहाय, नमः नमः, तिस्मै स्वाहाय नमः, तिस्मै स्वाहाय नमः, तिस्मै स्वाहाय नमः, तिस्मै स्वाहाय नमः। अर्पित करें। अब हाथ जोड़े और संकल्प करें। ओम ओम अद्ध अद्ध, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ईश्वर सदा इस घर में सुख संपदा बनाए रखे और पितर की आत्मा को वैकुंठ वास हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कल्याण वस्तु अखंड सौभाग्यवती भव। चलिए पंडित जी बैठ के चाय पीते हैं। हाँ चलिए। काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। आप आए बहुत ही अच्छा लगा। हाँ करीब 3 साल पहले आपके विवाह समारोह में आया था। हाँ जी पंडित जी चाय। हाँ शुक्रिया। और घर पर सब कुशल मंगल है ना पंडित जी? सब कुशल मंगल है। दरअसल मैं हरिद्वार गया था। हाँ हाँ वहाँ एक यज्ञ पूजन था। 2 दिन पहले आपका निमंत्रण मिला तो वहीं से आ रहा हूँ। ओ अच्छा। आपके माँ बाबूजी के आकस्मिक निधन का खबर पाकर स्तब्ध रह गया। मैं उस वक्त आ नहीं पाया। पता नहीं ये कैसी महामारी फैली है, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। एक हफ्ते के फासले में ही एक के बाद एक दोनों हमें छोड़ के चले गए। उनका तो अटूट प्रेम था लेकिन हम दोनों बेसहारा रह गए। हमने तो बहुत कोशिश की थी उन्हें बचाने की, मगर शायद कुदरत को ही हमारी खुशी नामंजूर थी। इस काल चक्र और विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। अब आप इसे प्रकृति का नियम समझे या कुदरत का कहर? अगर ऐसा है पंडित जी तो फिर हमारे ईश्वर के प्रति आस्था, हमारे धर्म, हमारे कर्म का इस जिंदगी में क्या मतलब है? आपके इन सभी प्रश्नों का समाधान और विकल्प केवल मात्र भगवत गीता है। इसका रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें, लाभ होगा। ये क्या आपने गले में कोई आभूषण नहीं पहना? ध्यान नहीं रहा पंडित जी। विवाहिता स्त्री देवी स्वरूप होती है, विवाह के उपरांत गले को सोना नहीं रखना चाहिए। मंगलसूत्र या शुद्ध धातु पहनना अनिवार्य होता है। क्षमा चाहूंगी पंडित जी। चलिए भोजन तैयार है। चलिए पंडित जी। हाँ आसन ग्रहण कीजिए। चलिए ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी पानी। राधे 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 राधे। ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। वैभव बाबू। जी पंडित जी। हाँ ये लीजिए, ये एक सिद्धि यंत्र है।
इसका क्या करना है पंडित जी? इस सिद्धि यंत्र से आपके ग्रहों के दशा और दिशाओं पर अनुकूल प्रभाव रहेगा। अच्छा, और वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। इसे अलमारी के एक कोने में छुपा के रखिए जी, और दीप अमावस यानी दीपावली के दिन इसे विसर्जित कर दीजिए। ये लीजिए पंडित जी, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, इसे दक्षिणा स्वरूप स्वीकार कीजिए। इतना सब कुछ क्या है? ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस कुछ कपड़े और मिठाइयां। इतना सब कुछ देखकर तो मेरी पत्नी फूले नहीं समाएगी। मैं इसको अलमारी में रख के आता हूं। पंडित जी, एक और बात कहनी थी। हाँ बोलिए ना। आपने पहले कहा था ना कि विवाहिता स्त्री को कभी भी अपना गला सूना नहीं रखना चाहिए। मैंने अपने विवाह के बाद कभी अपना गला सूना नहीं रखा, लेकिन 8 महीने पहले क्या हुआ था? 8 महीने पहले जी, मैं बताता हूँ। 8 महीने पहले हम लोग अपनी माता पिता की अस्थि विसर्जन करने के लिए बनारस घर गए थे। अस्थि विसर्जन करने के बाद जब हम लोग वापस घर आ रहे थे, तो वो टाइम पे ट्रेन में इसके गले से एक चोर ने मंगलसूत्र चुरा लिया। उसी दिन से इसे किसी अपशगुन होने का डर सता रहा है। आप शांत हो जाइए। एक बात हमेशा याद रखें, जो चीज आपके हक की होती है वो न तो कोई आपसे चुरा सकता है और न ही छुपा सकता है। वो किसी न किसी रूप एक दिन आपके पास आ ही जाएगी। मैं नहीं कहता, मेरे गुरुजी कहते हैं। और जो चीज़ आपकी हक की नहीं होती, वो आपके पास होकर भी आपको नहीं मिलती, वो आपके पुनर्जन्म का कर्ज होता है जिसे आपको चुकाना पड़ता है। पंडित जी, ये जन्म जन्मांतर की बातें, पाप पुण्य, ये सब समझने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। पर ईश्वर से यही एक फरियाद है कि अगर मैंने कोई बुरे कर्म किए हो तो उसकी सजा सिर्फ मुझे ही मिले। बस ईश्वर पर विश्वास रखे, वो हमेशा सही न्याय करता है, बस हमारी समझने की क्षमता नहीं होती। ये लीजिए, ये बाल गोपाल के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद है, इसे कल सवेरे स्नान के बाद ग्रहण कीजिए, जल्दी कोई खुशखबरी मिलेगी। चलिए, अब मेरे प्रस्थान करने का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। आज के लिए यही रुक जाइए पंडित जी, कल सुबह चले जाइएगा। अरे नहीं, मेरा जाना अनिवार्य है, 3 दिन से घर से बाहर हूँ, चलता हूँ मैं। आयुष्मान भव, राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे पंडित जी।
ये माजरा क्या है? खोपड़ी इतना लुढ़क क्यों रही है? कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं? गुरुदेव, ये क्या विडंबना है? ये भूत प्रेत के साये से बचाओ गुरुदेव। त्रिभु, ओ त्रिभु, त्रिभु, कौन है? गुरुदेव, गुरुदेव आप हो? गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव आप हो? हाँ पुत्र, मैं ही हूँ। मैं जहाँ भी रहूँ सदा तुम्हारे साथ हूँ। यद्यपि तुम्हें इस समय एक विशेष कार्य करना होगा। क्या गुरुदेव? इस कपाल को अपने साथ ले जाओ। उचित समय आने पर मैं तुम्हें सूचित करूँगा कि इसका क्या करना है। परंतु ध्यान रहे, इस कपाल को तुम्हें गुप्त रखना है। जो आज्ञा गुरुदेव। आ गए आप? कल तो काफी रात हो गई आपको आने में। हाँ बताता हूँ। दरअसल कल ट्रेन बहुत लेट थी। मगर आप तो परसों ही आने वाले थे। हाँ, दरअसल एक जजमान के घर साथ पे गया था। अच्छा, तो इतने सारे दान दक्षिणाएं उन्होंने ही दिया? हाँ, है क्या? काफी पुराने परिचित हैं हमारे। नई धोती, साड़ी, कमीज और मिठाई, और साथ में 3,000 रुपए भी थे। अच्छा, तुमने सब देख भी लिया? और नहीं तो क्या, आपकी मुंह खोल के मांगने की आदत तो है नहीं, जो दिया लेकर आ गए। तुम्हारे मन को तृप्ति मिली ना, खुश हो? बहुत खुश। साड़ी का रंग तो बिल्कुल मेरे पसंद की है। और नाश्ते में कुछ है खाने को? आज मुझे बाहर गाँव जाना है, शाम को लौटूंगा। क्या सुबह नहाने जाते वक्त कुछ बोल कर नहीं गए? कुछ तो बनाया नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, जजमान ने जो मिष्ठान्न दिया है वही दे दो। अरे नहीं नहीं, घर पे दही चूड़ा है, वो ला कर देती हूँ। सिर्फ मिष्ठान से क्या होगा? ठीक है, जल्दी करो, 10 मिनट में निकलना है। आज 2 जगह पे नारायण कथा कहने जाना है। हाँ हाँ, लाती हूँ। चल
चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। हाँ। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। काफी कड़क कड़क नोट दिया है जजमान ने। काफी पैसे हैं, बैग में रख देती हूँ। ये पंडित जी ने अपने गमछे को, अरे देवा क्या है ये सब? जयंती, जयंती, अरे देखो मैंने क्या लाया। ये क्या मजाक है, ऐसे कोई करता है? अच्छा और आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताइए ना, जादू टोना? और अरे ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आप औघड़ पाखंडियों के चक्कर में पड़ गए? क्या अनाप सनाप बकरी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तब वो खोपड़ी इस घर में क्यों आई? खोपड़ी? कौन खोपड़ी, कहाँ है खोपड़ी? अच्छा अब इतनी भी अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मैं अनजान नहीं बन रहा हूँ। हाँ मैं इस खोपड़ी को लाया हूँ, मेरे गुरुजी का आदेश था, मैंने उसका पालन किया है। वो खोपड़ी कहाँ है? वहाँ कचरे में पड़ा हुआ है, मैंने ईंट पत्थरों से कुचलकर उसका कचुम्बर बना दिया। क्या? हे भगवान, त्रिभु, ओ त्रिभु, सुन पा रहे हो मुझे? त्रिभु, ओ त्रिभु, गुरुदेव, कहाँ गुरुदेव? अपनी आंखें खोल कर देख, मैं तेरे समक्ष ही हूँ। आओ त्रिभु, आओ, आज तुम्हारे साथ जो घटित हुआ वो नहीं होना चाहिए था, परंतु हुआ। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी भूल है वत्स, क्योंकि जो हुआ वो विधि का विधान है। क्या सही क्या गलत, वो दिव्य ज्ञान मुझे कहाँ प्रभु, कि हर सही गलत की भेद को समझ सकूं। मगर एक बात मेरी समझ से बिल्कुल परे है, कि आपने मुझे वो खोपड़ी घर लाने के लिए क्यों कहा? आज सारे फसाद की जड़ वो खोपड़ी ही है। वत्स, मैंने तो तुम्हें उसे गुप्त रखने का निर्देश दिया था, परंतु कोई बात नहीं, जो हुआ भले के लिए ही हुआ। उस कपाल का शरीर तो समाप्त हो गया, पर उसकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। उसकी आत्मा को तुम्हें मुक्त कराकर इस समस्या का समाधान करना है। आप आदेश दीजिए गुरुदेव, मुझे क्या करना है? जो होना था हो गया। वत्स, कल प्रातःकाल जब तुम स्नान करने जाओगे तो उस कपाल की शतविक्षिप्त अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर देना, इसी से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। जो आ गया गुरुदेव। हरिओम।
हे गुरुदेव, ये क्या विडंबना है। त्रिभु, ओ त्रिभु, ओ त्रिभु। गुरुदेव आप? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, मेरे समीप बैठो। पुत्र, किस असमंजस में हो? अब मैं क्या बताऊं गुरुदेव, आपसे भला कुछ छुपा है? मगर कई प्रश्नों के उत्तर और समाधान सिर्फ आप ही दे सकते हैं। इसीलिए तो मैं आया हूं। एक अध्याय का समापन हो, पर उस अध्याय से जुड़े कई रहस्य हैं जिनका समापन अभी बाकी है। तुझे याद है परसों जिन जजमान के घर तुम श्राद्ध पूजन के लिए गए थे? उनकी पत्नी का सूना गला देखकर तुमने क्या कहा था, स्मरण करो। अभी तुम्हारे हाथ में जो मंगलसूत्र है वो उसी स्त्री का है। जा त्रिभु, जा, ये मंगलसूत्र उस विवाहिता को वापस कर दे। और समय समय पर और भी रहस्य हैं जो खुलते जाएंगे, और मैं तुम्हें उनसे अवगत कराता जाऊंगा। आयुष्मान भव। क्या बात है मैडम, सुबह सुबह इतना रोमांटिक मूड में। क्या? अरे अभी कौन आ गया? मैं देखो ना। अरे पंडित जी आए, जाओ देखो। पंडित जी आए हैं? हाँ, तुम जाओ, तुम जाओ। ठीक है, तुम आओ, मैं देखता हूँ। आइए पंडित जी, बैठिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। आयुष्मान भव। तो वैभव बाबू, आश्चर्य लग रहा होगा ना? जी, मैं दो दिन बाद फिर से आपके घर क्यों आया? आप आए हैं तो किसी कल्याण हेतु ही आए होंगे। राधे राधे पंडित जी। सौभाग्यवती भव। राधे राधे। आप दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ पंडित जी। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और सौगात लेकर आया हूँ। इसे पहचानती है? ही
ये तो मेरा मंगलसूत्र है। मगर ये कैसे? सब आप ही की वजह से। क्या मेरी वजह से? मंगलसूत्र तो आपने ही पहनाया। मैं मजाक कर रहा था। एक खुशखबरी और भी है पंडित जी। क्या? मैं पिता बनने वाला हूं। ये खुशखबरी कुछ देर पहले मुझे रितिका ने दिया है। फिर तो मुंह मीठा कराना ही पड़ेगा। क्यों नहीं जी, मैं अभी लेके आई। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मुझे देर हो रही है, केदारनाथ यात्रा पर निकला हूं। ओ अच्छा, मगर पंडित जी, ये मंगलसूत्र आपको मिला कहां? वहीं से जहां उस चोर ने उसे छुपाया था। मगर उस चोर ने उसे कहां छुपाया था पंडित जी? एक मृत इंसान की खोपड़ी में। ये क्या कह रहे हैं आप? उस रोज जिस चोर ने आपका मंगलसूत्र चुराया, वो आप ही के साथ उस कोच में यात्रा कर रहा था। आप उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए, पर जब वो सुल्तानगंज स्टेशन उतरा, तब एक पुलिस को देखकर वो चौंक गया। पुलिस वाले ने शक के बिना पर उसका पीछा किया और चोर भागने लगा। भागते भागते उसे रास्ते में एक इंसान की खोपड़ी दिखाई दी, जिसमें उसने आपके मंगलसूत्र को छुपा दिया। अब इस खोपड़ी का मुझे मिलना एक संयोग समझ लीजिए, मगर इसके और भी कई राज हैं, जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया। क्या बताया आपके गुरुजी ने? यही बताया कि इंसान की जिंदगी में जुड़ने वाले रिश्ते और रिश्तेदार सही भी हो सकते हैं और गलत भी, पर इंसान का कर्म उसकी जिंदगी का पूरा हिसाब किताब का लेखा जोखा होता है, सबका बराबर हिसाब होता है। खैर, मैंने कहा था ना, किसी के हक की चीज ना कोई छुपा सकता है ना कोई चुरा सकता है, वो किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाता है। मगर वो राज क्या है पंडित जी? कुछ बातें राज रहे तो बेहतर है। अभी मुझे देर हो रही है, चलता हूं, आऊंगा फिर कभी, घंटे भर बाद मेरी ट्रेन है। हाँ, मैं तो स्टेशन का रास्ता होके जा रहा हूँ। चलिए, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए चलो, चलता हूँ। आइए। आप सारिका को जानते हैं? कौन सारिका? याद कीजिए।